तो आज हम बनाएंगे मंडे स्पेशल बीटरूट हलवा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बीटरूट ले लिया जिसको हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस किया हुआ बीटरूट, एक ग्लास मिल्क, आधा कटोरी चीनी, 5 से 6 इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी एंड 7 से 8 काजू और बादाम लिए हैं मैंने यहाँ पर। पैन में घी डाल के इसमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम बीटरूट को डाल के अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें बीटरूट का जो कच्चा स्मेल आता है वो निकल जाए। अब इसमें मिल्क ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसको 5 मिनट्स के लिए ढक्कन लगा के पका लेंगे। अभी हमारे 5 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि मिल्क अच्छे से सूख गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और शुगर मेल्ट होने तक लो फ्लेम में इसको पका लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा बीटरूट हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अभी ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 20 मिनट्स में हमारा बीटरूट हलवा बनके रेडी हो